दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्हाट विल हैपन इफ यू विल डिले योर रोटेटर कफ सर्जरी या सुपरास्पाइनेटस सर्जरी। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर डीपी शर्मा एंड आई एम अ शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्हाट विल हैपन इफ यू विल डिले योर रोटेटर कफ सर्जरी या सुपरास्पाइनेटस सर्जरी। दोस्तों ये आप एक शोल्डर का मॉडल देख रहे हैं और आप ये रेड डॉट्स देख रहे हैं, ये हमारा रोटेटर कफ है, ये हमारा रोटेटर कफ है और ये ऐसे मूवमेंट कराता है, हमारे हाथ को ऐसे ऊपर ले जाता है और हाथ को ऐसे नीचे लाता है, पीछे ले जाता है, ऊपर ले जाता है। ये जो मसल आप देख रहे हो ये सुपरास्पाइनेटस है और ये बहुत कॉमनली ब्रेक हो जाती है। दो इसके कारण हो सकते हैं, या तो आप ये एक्रोमियन देख रहे हो, इसमें से हड्डी बढ़ती जाए और इस जगह पे आके, यहाँ पे आके ये इसको इम्पिंजमेंट करे। इसके में केसेस में हमें सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन यानी उसकी निबलिंग करनी पड़ जाती है, उस बोन को स्मूथ कर देना पड़ता है दूरबीन की मदद से, या फिर चोट लगने की वजह से आपके ये टियर हो जाए। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम इसका इलाज नहीं करते हैं तो पहली बात तो ये मसल अंदर की तरफ चली जाएगी, मतलब आपको हाथ ऊपर उठाने में और मसल्स आप यूज करोगे, प्रॉपर नहीं उठेगा, आप इस तरीके का ट्रिक मूवमेंट्स करके ऊपर ले जाओगे हाथ। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ये एक यहाँ पे टेंट बनाते हैं, तंबू बनाते हैं यहाँ पे, जिससे ये शोल्डर अपनी प्याली में ग्लिनोइड हड्डी में बहुत अच्छे से रोटेट करता है। एक पॉइंट टूट जाने से समझिए एक रस्सी टूट गई इसकी, तो ये ऊपर चढ़ जाता है ऐसे, मतलब ऊपर चढ़ गया, अब ये इससे रगड़ खा रहा है। इसको बोलते हैं रोटेटर कफ आर्थराइटिस या रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी। ये एक बहुत सीवियर चीज है जो इनिशियली तो पेशेंट को पता नहीं चलती है, बट कई टाइम रोटेटर कफ के बिना कंधा चलाने से वहां का ग्रीस जो है वो खत्म हो जाता है। ऐसे केसेस में हमें बहुत छोटी जो प्रॉब्लम थी, जो दूरबीन से हम बहुत इजीली रिपेयर कर सकते थे, उसका बड़ा हो जाना हो जाता है और इसमें हमें कई बार शोल्डर की आर्थ्रोप्लास्टी यानी कि शोल्डर जॉइंट का रिप्लेसमेंट, जैसे कि आपने कॉमनली सुना होगा हिप नी का रिप्लेसमेंट, शोल्डर जॉइंट का भी हमें रिप्लेसमेंट कर जाना पड़ता है। तो इसको इग्नोर ना करें, ये आप जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हो बहुत इजीली बहुत छोटे से स्टिचेस की मदद से टीवी में देख के दूरबीन की मदद से इसको रिपेयर कर दिया जाता है एंकर्स की मदद से। अगर आपको ऐसी कुछ तकलीफ है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें आपकी बहुत खुशी होगी सहायता करने में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।